वर्षा ही जलत, ये लेसन दूसरी इकाई, दूसरी इकाई वर्षा ही जलत। रचनाकार इसके कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब हम श्री तुलसीदास जी के बारे में देखेंगे। जैसे कि उन्होंने क्या किया है, रामचरितमानस की रचना की है 500 वर्ष पहले। वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। पहले लोग क्या करते थे, अपनी पुस्तकों को छपवाते थे, रेडियो था, प्रकाशन था, लोग क्या करते थे, देखते थे, दिखाते और प्रकाशित होता था, लोग उसको पढ़ते थे, रेडियो के द्वारा सुनते थे। लेकिन 500 वर्ष पहले तो कुछ भी नहीं था, तो ऐसी सुविधाएं नहीं न होने के बावजूद भी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जन जन मतलब एक एक व्यक्ति को कंठस्थ होना यानी याद था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब इनके रचनाओं को क्या है, विश्व के जो 100 महाकाव्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान इनको मिला है। किसको? श्री तुलसी दास जी को। इनका इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, पिता का नाम आत्माराम और माँ का नाम तुलसी था। दीन बंधु पाठक की बेटी रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। पत्नी सब ऐसी कथा है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज्यादा विलीन थे। तब उन्होंने, सब लोग बोलते हैं ना, किसी 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 न किसी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, किसी न किसी की प्रेरणा जरूर होती है। तो वह अपनी ऐसी एक कहानी है कि पत्नी मायके गई हुई थी और वह क्या किए, पत्नी से मिलने के लिए उनको पत्नी की याद आई और बहुत आंधी तूफान बारिश था, बाढ़ आई हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो चले गए मिलने के लिए। और जब वो मिलने के लिए चले गए तब उन्होंने देखा कि पानी तो बहुत बढ़ा हुआ था, तब वो जाए कैसे, जाने का रास्ता नहीं था। तब उन्होंने पेड़ पर से एक सांप लटक रहा था, उस सांप को उन्होंने रस्सी समझकर पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ से उन्होंने खिड़की से घर में चले गए। तब पत्नी ने उनको क्या किया, फटकारा यानी डांटा कि आप पत्नी प्रेम में इतना ज्यादा डूबे हुए हो कि क्या करना है, ऐसा अगर जिस प्रकार आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर ठीक उसी प्रकार से आप भगवान राम की प्रेम करते, भगवान से प्रेम करते, तो आप क्या होते, इस संसार रूपी भव सागर से तर जाते। अब यह क्या है, यह तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न, यह दो हावली है, सारे दोहाए रामायण जब आप खोलकर देखोगे तो उसमें चौपाई लिखी होती है, दोहा लिखा होता है और सोरठा लिखा होता है, तो बहुत सारे चौपाइयों के बाद एक दोहा होता है। जानकी मंगल रामचरितमानस, पार्वती मंगल वैराग्य संदीपनी, ये सब सारी रचनाएं किसकी हैं, तुलसीदास जी की। गीतावली कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, तुलसी सत्सई और या इसको राम सत्सई भी कह सकते हैं, यह सब क्या है, यह सब श्री तुलसीदास जी ने इतने ग्रंथ और महाग्रंथों का रचना किया है।
श्री रामचरितमानस। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह रामचरितमानस में किष्किंधा रामायण के किष्किंधा कांड से लिया गया है। रामायण में 8 कांड हैं, उसमें से एक किष्किंधा कांड भी है। किष्किंधा कांड यानी जब भगवान सीता जी का हरण रावण करके ले जाता है और भगवान ढूंढते ढूंढते उनको कहाँ पहुंचते हैं, सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। इन सब चीजों का वर्णन इन चौपाइयों में दिया हुआ है। अब देखेंगे पद्य संबंधी बातें। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यह क्या है, पद्यांश जो है, पद्यांश पद्य चौपाई है और दोहा भी है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं प्रकृति में, इसका अति सुंदर वर्णन इन्होंने अपने चौपाई के पंक्तियों में किया है। उन्होंने साथ वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी इस प्रकृति के परिवर्तन के साथ, प्रकृति परिवर्तन वर्षा ऋतु में जिस तरह प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, उसी तरह समाज की स्थिति भी गुणों से और दुर्गुणों से परिवर्तित होता रहता है। इसके द्वारा हमको यह भी दर्शाया है श्री तुलसीदास जी ने। अब देखो यह क्या है, चौपाई। चौपाई में चौपाई होती है, दोहा, ये सब छंद होते हैं। दोहा, चौपाई, सोरठा, इसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो चौपाई क्या है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ सामने दिख रहा है। 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है और 4 लाइन है, समझा। तो चौपाई के 4 चरण में क्या होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। घन, घमंड, घन घमंड नभगत नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पतमन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथाथिर नाही। घन घमंड नभ गर्जत मोरा, प्रियाहीन डर पतमन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथाथिर नाही। अब यहाँ हम इस चौपाई का अर्थ देखेंगे। घन यानी बादल, घमंड मतलब गर्व होना, गर्जत मतलब बादल जब गरजते हैं उनकी गर्जना, घोरा यानी बहुत भयंकर, दामिनी दमक रही, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दमकना यानी चमकना, घन घन यानी बादल, माही मतलब मैं, खल का अर्थ होता है दुष्ट, प्रीति जथाथिर नाही। तो आइए हम पहले सारी चौपाइयां एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। वर्ष ही जलद भूमि निर आए, जथा नवही बुद्धि विद्या पाए। बूंद अघात सहही गिरी कैसे,
फल के बचन संत सह जैसे क्षुद्र नदी भर चली तोराई जस थोरे हूँ घन खल इतराई भूमि परत बा ढाबर पानी जनु जी वही माया लप टानी समिटी समिटी जल भर ही तलावा जिमि सदगुण सज्जन पही आवा सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जिमि जीव हरि पाई दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई बनु जनु बट सताई पल्लव भय नव पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन सम मिले विवेका अर्क जवास पात बिनु बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ खोजत कतहु मिले नहीं धूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी सस्य संपन्न सोह मही कैसी उपकारी के संपत्ति जैसी निसितम घन खद्योत विराजा जनुदा भिन्न कर मिलई समाजा कृषि निरावही चतुर किसाना जिमि बुध तजही मोह मद माना देखियत चक्र वाक खग नाही कलही पाई जिमि धर्म पराही विविध जंतु संकुल भई भ्राजा प्रजा बाढ़ जिम्मी पाई सुराजा जह तह रहे पथिक थकी नाना जिमे इंद्रियगन उपजे ज्ञाना दोहा भूमि त्रिन संकुल समुझी परही नहीं पंथ पाखंड विवाद जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। अब यहाँ चौपाई का दोहा कबहु प्रबल बह मारुति जहता मेघ विलाही जिमि कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाही कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु क प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाय कुसंग सुसंग। अब हम आइए क्या करते हैं, एक एक चौपाई देखेंगे, उसके शब्दार्थ देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रिया हीन डर पत मन मोरा दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रीति जथाथिर नाही। कवि कहते हैं शब्द वाटिका घन बादल घमंड गर्व घोरा यानी बहुत भयंकर डरपत डर रहा है दामिनी बिजली दमकना चमक जाना या चमकना खल यानी दुष्ट दुष्ट व्यक्ति गलत व्यक्ति। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। भयंकर अर्थात डरावना, वो जिससे इंसान क्या होता है थोड़ा सा अंदर भय हो जाता है इंसान के। तो श्री राम जी कह रहे हैं हे प्रिया सीता के बिना मेरा मन क्या हो रहा है डर रहा है। बादल में आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन क्या हो रहा है बहुत डर रहा है, क्योंकि यहाँ सीता जी को रावण हरकर ले गया है और सीता जी का क्या कर रहे हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी खोज कर रहे हैं सारे जंगल में सारे वन में। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। मित्र वही जो हर समय साथ दे, मित्र जो बुरा मित्र होता है अच्छा मित्र नहीं होता, दुष्ट व्यक्ति होता है मन से अच्छा नहीं होता है, वह मित्र क्या होता है समय आने पर साथ छोड़ देता है। इसी तरह बिजली आकाश में किस तरह चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कभी भी स्थिर नहीं रहती,
यानी वह चमकती है और चमक कर विलुप्त हो जाती है। सब बोलते हैं ना कहावत, चार दिन की चांदनी और अंधेरी रात। तो उसी प्रकार से बिजली आकाश में बादल में चमकती है, चमक के बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार की दुष्ट व्यक्ति के मित्रता स्थिर नहीं होती है। वर्ष ही जलद भूमि निर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब यहाँ शब्द वाटिका में हम देखेंगे निर आए। निर आए का अर्थ होता है निकट आना, जथा जथा यानी जैसे, नवही नवही यानी झुक जाना, नवाना सब बोलते हैं ना सर को झुकाना। बुध बुद्धिमान व्यक्ति, आघात यानी प्रहार, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जो नहीं होते हैं। वर्षा ही जलद भूमि निर आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर, जब बादल घिर आता है काला हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो धरती से बहुत निकट आ गया है। तो उसी प्रकार से बादल धरती के नजदीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार, कैसे, जैसे विद्यमान विद्वान व्यक्ति विद्या को पाकर क्या होता है, विनम्र हो जाता है यानी झुक जाता है। सब बोलते हैं ना कि जो फल जिसमें, जिस पेड़ में, जिस वृक्ष में फल आते हैं वह फल क्या होता है, झुक जाता है, जो झुकता नहीं है वो टूटता है। तो इसीलिए बादल एकदम नजदीक आ गए हैं और नजदीक आके पृथ्वी पे इस तरह से बारिश हो रही है, इस तरह से वर्षा हो रही है, किस तरह, जिस प्रकार से अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति को विद्या मिल जाने पर, ज्ञान मिल जाने पर वो क्या होते हैं, विनम्र हो जाते हैं। बूंद की चोट, आघात यानी चोट, सह ही मतलब सहना, गिरी यानी पर्वत पहाड़, बूंद आघात सह ही गिरी कैसे। अब यहाँ यह बताया गया है, श्री तुलसीदास जी ने यह कहा है कि बूंदों के चोट पहाड़ों पर पड़ रही है और बूंदों के प्रहार को वो किस प्रकार, जब आप बारिश में बहुत जोरों की बारिश होती रहती है, कहीं बाहर जाओ तो वो अपने शरीर पे जोरों जोरों से जब पड़ता है तो आघात यानी चोट लगती है बारिश के बूंदों से। तो ठीक उसी प्रकार श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बूंद आघात, बूंदों का प्रहार चट्टान यानी पर्वत इस प्रकार सह रहे हैं, जिस प्रकार संत पुरुष क्या होते हैं, दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। जो संत और सज्जन व्यक्ति होते हैं वह दुष्ट व्यक्ति के वचन को, कहे हुए किसी भी वचन को सह लेते हैं, वह उसका उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी उनके उसके विपरीत अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उसी के समान रहे तो वह क्या होगा, उत्तर प्रत्युत्तर करना शुरू होगा। लेकिन जो संत व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दुष्ट के वचन को सह लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की बूंदों के आघात को, चोट को पर्वत सह लेता है। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूं धन खल इतराई, भूमि परतबा ढाबर पानी, जानु जी वही माया लप टानी। क्षुद्र क्षुद्र यानी छोटी, तोराई तोड़कर, थोरे हूं थोड़े से भी, ढाबर मटमैला, लपटानी यानी लिपट जाते हैं, खल यानी दुष्ट व्यक्ति। अब यहाँ तुलसीदास जी ने क्या बताया है, छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर
अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। छोटी नदियां क्या करती हैं? अपने जब छोटी छोटी नदियां बारिश होती है तो भर जाती हैं, और जब भर जाती हैं तो वह अपने किनारों को तोड़ देती हैं और ऊपर ऊपर बहने लगती हैं। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग, अब यहाँ तुलसीदास जी ने दुष्ट लोगों को किस तरह समझाया है, उदाहरण दिया है प्रकृति का, कि जिस प्रकार छोटे छोटे तालाब और नदियां जब बारिश के पानी से, बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी तो अपरंपार बरसता है, उसका कोई भी सीमा नहीं होता है, तो ठीक उसी प्रकार जब अपार बारिश से छोटी छोटी नदियां भर कर क्या होती हैं, अपने किनारों को तोड़कर ऊपर की तरफ उफान होने लगती हैं, या बहने लगती हैं, या बढ़ती चली जाती हैं। किसकी तरह? ठीक उसकी तरह जिस प्रकार की दुष्ट व्यक्ति को, मामूली व्यक्ति को जब बहुत सारा धन मिल जाता है तो वो क्या होता है, अपनी मर्यादा का त्याग कर उस पे इतराना शुरू करता है। इतराना यानी बहुत घमंड करने लगता है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। यहाँ छोटी नदी पानी से, वर्षा के पानी से श्री तुलसीदास जी ने क्या किया है, किसका उदाहरण दिया है, दुष्ट और व्यक्ति का, मामूली व्यक्ति को जब बहुत ज्यादा संपत्ति मिल जाती है तो वह इतराना शुरू करता है। भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर जाता है, ढाबर यानी तालाब, गंदा मटमैला तालाबों में भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। सद्गुण क्या होते हैं? अगर हम अपनाना चाहेंगे तो सद्गुण अपना लेंगे, ये तो अपनाने के ऊपर होता है। सज्जन व्यक्ति क्या होते हैं, क्या करते हैं? हमेशा सद्गुणों को अपनाने का ही कार्य करते हैं। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, किस तरह? जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चला आता है। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है। भूमि परतवा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। नदी का पानी समुद्र में किस प्रकार चला जाता है? उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार भगवान को जीव क्या होता है, ये जो हमारे शरीर के अंतर आत्मा है, जीव माया, माया यानी भगवान, जीव इस संसार के माया मोह को छोड़कर भगवान में विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, नदियों का पानी समुद्र में विलीन हो जाता है, तो पता नहीं चलता है कौन सी नदी का पानी है, क्योंकि वह फिर सागर में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार से, जिस प्रकार से जीव ये अपने शरीर का अंतर रूपी आत्मा इस मोह माया के बंधन को, भव सागर को छोड़कर भगवान में विलीन हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट, समिटि समिटि जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होहि अचल जिमि जीव हरि पाई। शब्द वाटिका, जिमि जैसे, पहि के पास, जल निधि समुद्र, महु में, अचल स्थिर। समिति 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 जल भरही, थोड़ा थोड़ा करके जल जल क्या होता है, तालाब में भर जाता है। जैसे थोड़े थोड़े सद्गुण सज्जन व्यक्ति में आ जाते हैं। सरिता यानी नदी, नदी का जल भरकर कहाँ जाता है, चला जाता है कहाँ, समुद्र में। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार से जीव क्या होता है, हरि को पाकर भव सागर से तर जाता है। अब यहाँ क्या दिया है, दोहा। हरित भूमि तृण संकुल,
समुझे पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सद ग्रंथ। तृण यानी घास, संकुल परिपूर्ण, किसी भी चीज से परिपूर्ण होना। पंथ पथ रास्ता, जिमी जिमी का अर्थ है जैसे। विवाद यानी झगड़ा करना, झगड़ा विवाद हो जाता है ना कभी कहा सुनी। लुप्त गायब हो जाना। सद सद यानी अच्छे। पृथ्वी, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो सब लोग, पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर जब बारिश का समय आता है, वर्षा ऋतु आती है, जब बादल के वर्षा बूंद पृथ्वी पर पड़ते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, ठंडी हो जाती है और हरे भरे घासों से परिपूर्ण हो जाती है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। बहुत सारी जगहों पर क्या होता है देखो तो सब जगह हरियाली और घास उग जाते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं आने और जाने के लिए वह भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। किस तरह, अब देखो यहाँ भी तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया है, किस तरह से ऐसा यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाता है। बहुत सारे पंडित क्या होते हैं, पाखंडी होते हैं, सदगुरु उनका क्या होता है, उनके पाखंडों से उनके झूठ से सदग्रंथ क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। सदग्रंथ क्या होते हैं, विलुप्त हो, सदग्रंथों का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता, वह क्या करते हैं, वह तो बिना मतलब की बातें बोलते चले जाते हैं। तो उसी तरह हरी भूमि, जब वर्षा ऋतु में भूमि क्या होती है, पृथ्वी हरियाली से भर जाती है, तब छोटे छोटे रास्ते क्या होते हैं, दिखाई हरे भरे घासों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पाखंडी पंडित लोग क्या करते हैं, अपने पाखंड से सद ग्रंथों का विलुप्त मतलब क्या कर देते हैं, सदग्रंथ उनके वजह से लुप्त हो जाते हैं। दादुर, अब देखो यहाँ हम फिर से चौपाई पर आ गए, एक दोहा हो गया, कंप्लीट हो गया, अब हम कहाँ आ गए, फिर से चौपाई पर आ गए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बट समुदाई, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अब यहाँ हम शब्द वाटिका में देखेंगे दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेंढक। वेद, वेद का अर्थ होता है वेद, जैसे हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बटु, बटु यानी छोटे छोटे बालक। भये, भये यानी हुए। विपट, विपट का अर्थ यहाँ कवि ने क्या बताया है, वृक्ष से लिया है। विवेका, विवेका यानी अपने विवेक की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बट समुदाई, नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अब यहाँ कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि, अभी देखो यहाँ तो हमें सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन गाँव में जैसे ही बारिश स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होता है, मेढकों की टर टर की आवाजें हमको सुनाई देने लगती हैं। तो यही बताने का यहाँ तुलसीदास जी ने यही बताया है कि वर्षा काल जब आता है तो चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि,
ऐसी सुहावनी लगती है। यहाँ इन्होंने मेंढक की ध्वनि को बड़ा सुहावना बताया है। किस प्रकार से सुहावनी लगती है, यह उदाहरण इन्होंने क्या दिया है, मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। मानो बच्चों का समूह, बालकों का समूह, विद्यार्थियों का समूह वेदों का पठन पाठन कर रहा हो, इस तरह से आवाज आ रही है। नव पल्लव भय विपट बिटप अनेका, साधक मनजस मिले विवेका। अब यहाँ कविवर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अनेक वृक्षों से नई नई कोपले आ गई हैं। कोपल यानी छोटी छोटी पत्तियां, कोपले आना, जब बारिश होती है सब जगह हरियाली फैल जाती है, वृक्षों पर भी क्या होते हैं, अनेक डालियां और फूल फल आने लगते हैं। तो कविवर तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई हैं, जिससे वे हरे हरे सुशोभित हो रहे हैं। सुशोभना यानी बड़े सुंदर दिखना। वृक्षों पर नई नई कोपले आ गई हैं, जो बड़ी ही सुंदर दिख रही हैं। अब यह किस प्रकार दिख रही हैं, यहाँ कविवर ने एक उदाहरण दिया है। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करके प्रफुल्लित हो जाता है। साधक मनजस मिले विवेका, साधक का मन जैसे ज्ञान प्राप्त करके, साधना करके जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब क्या होता है, ज्ञानी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में मेंढक की आवाज इस प्रकार सुहावनी लग रही है, जिस प्रकार की बालकों का समूह वेदों का पठन पाठन कर रहा हो, विद्यार्थियों का समूह वेद पढ़ रहा हो। नए नए वृक्षों पर नई नई कोपलें आ गई हैं और वह हरी भरी होकर इतनी सुशोभित हो रही हैं कि जिस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति साधना करने पर उसको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह प्रसन्न होता है। अर्क जवास पातु बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्महि दूरी। शब्द वाटिका में देखो, अर्क यानी मदार, मदार का पेड़ होता है, उसपे छोटे छोटे फूल भी आते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। वो पत्तों का हार बनाकर लोग क्या करते हैं, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर चढ़ाते भी हैं। आपके पहचान के लिए मैं बता रही हूँ। जवास यानी जवासा का पेड़, यह दोनों जहरीले पेड़ होते हैं। भयउ हुए, खल यानी दुष्ट, उद्यम का अर्थ है कार्य। धूरी धूल, जिमी यानी जैसे। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसात के दिनों में मदार और जवास के पौधे पत्तों से रहित हो जाते हैं। कभी भी आप देखोगे तो मदार और जवास, जवास का आपको नहीं पहचान होगा, लेकिन मदार तो आपको देखे ही होंगे। बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके छोटे छोटे फूल भी आते हैं, जो शिवलिंग पे भी चढ़ाए जाते हैं मदार के फूलों को। तो उन्हें देखकर वो क्या होते हैं, मदार और जवास के पत्ते गल जाते हैं, गल गल के गिर जाते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, तब वह पत्ते हीन हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक। अब यहाँ भी उन्होंने, तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया है, अर्क जवास, मदार और जवास के पत्ते वर्षा ऋतु आने पर पत्ते हीन हो जाते हैं, उनके पत्ते गल के गिर जाते हैं। जस सुराज खल उद्यम गयउ, किस प्रकार से, जिस प्रकार से अच्छे राजा, अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का सर्वनाश हो जाता है, या दुष्ट लोग गायब हो जाते हैं। शासक
जथा राजा तथा प्रजा सब लोग कहते हैं। तो अच्छे राजक, अच्छा शासक, अच्छा राजा होगा तो क्या होगा, दुष्टता कहीं भी रह जाती नहीं है। अब यहाँ दूसरी पंक्ति में, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अब यहाँ देखो, धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती, जब वर्षा ऋतु आती है तो धूल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि बारिश के पानी से सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है। किस प्रकार से, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है उसी तरह वर्षा धूल को नष्ट कर देती है। बारिश का पानी आने पर, वर्षा ऋतु आने पर धूल कहीं भी दिखाई नहीं देता है। किस तरह, जिस प्रकार हमें क्रोध आता है, जब हम क्रोध करते हैं, हमको जब गुस्सा आता है तब क्या होता है, हमारा बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है, क्रोध हमेशा धर्म को खा जाता है। तो उसी प्रकार से, किस तरह, जिस प्रकार वर्षा ऋतु क्या होती है, वर्षा ऋतु आने पर धूल नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से क्रोध आने पर इंसान धर्म से दूर हो जाता है। करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, जो क्रोध करता है वह धर्म से दूर हो जाता है। अब यहाँ देखो, शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदा भिन कर मिला समाजा। शब्द वाटिका में देखेंगे हम, शशि, शशि यानी चंद्रमा, सोह शोभायमान सुशोभित होना, मही, मही का अर्थ यहाँ कवि ने कहाँ लगाया है, धरती से, निस, निस यानी रात, निशा बोलते हैं हम, रात भी बोलते हैं, खद्योत, खद्योत रात में जागने वाला, तो क्या होता है, जुगनू, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक दो जुगनू चमक रहे हैं। अब हम चौपाई का अर्थ देखेंगे, शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति होते हैं, उपकारी के संपत्ति जैसी। उपकार करने वाला व्यक्ति क्या होता है, वह हमेशा क्या करता है, दूसरों का उपकार, अपने संपत्ति के द्वारा भी दूसरों का उपकार करता है। ठीक उसी प्रकार से अनाज से संपन्न, संपन्न मतलब लहलहाती, जब बारिश का सीजन आता है, बारिश का वर्षा ऋतु आती है, तो कृषक क्या करते हैं, खेती करना शुरू करते हैं। तो खेती से युक्त लहलहाती हुई हरी भरे फसल इस तरह शोभायमान हो रहे हैं, जैसे कि उपकार करने वाला, अपने संपत्ति से उपकार करने वाला व्यक्ति शोभायमान होता है। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदा भिन कर मिला समाजा। अब यहाँ रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्रित हो गया है। अब जुगनू को तो ये पता नहीं होता है कि सुबह जैसे ही होगी, रात को तो हमें बड़ा घमंड है कि हम रात को क्या कर रहे हैं, जुगनू यानी प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होगी वैसे हम विलुप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, उसी प्रकार से घमंडियों का, दुष्ट व्यक्तियों का जो समाज होता है, वह क्या होता है, उपकारी और सज्जन व्यक्ति के आने पर ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार की
सुबह होने पर जुगनू का क्या होता है, समूह नष्ट होता दिखाई देता है। रात के अंधकार में जुगनू चमक कर क्या करते हैं, अपना प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन जब प्रकाश सुबह हो जाती है तो उनका प्रकाश ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, वो जुगनू उसी प्रकार विलुप्त हो जाते हैं जिस प्रकार से अच्छे व्यक्ति के आने पर समाज दुष्टों का नष्ट हो जाता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमे इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब यहाँ हम शब्द वाटिका में देखेंगे मही, मही का अर्थ है पृथ्वी, भ्राजा शोभायमान होना, पथिक राही, जिमी जैसे, थक यानी थक कर। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। चतुर किसान क्या करते हैं, यहाँ पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है, यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। अब यहाँ कविवर तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि बरसात के दिनों में चक्रवात पक्षी क्या करते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अच्छा साम्राज्य आ रहा है और कलयुग क्या हो रहा है, जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जब वर्षा ऋतु आती है तो अनेक प्रकार के जीव और जंतु हमें धरती पर दिखाई पड़ने लगते हैं और उसी तरह शोभायमान होते हैं जैसे अच्छे राज्य के राज्य में, अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी विकास होता है।